तो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों जैसा कि हमने वादा किया था कि हम लेकर आएंगे एक नया इंटरव्यू जो कि ITBP हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के बारे में होगा। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले भी हमने एक इंटरव्यू आप लोग को दिखाया था जो कि हमारे मित्र का था, जो दिलीप कुमार जिनका नाम है और जो इस समय मिनिस्ट्रियल के पद पर तैनात हैं। जी हाँ दोस्तों, ITBP में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के पद पे वह इस समय तैनात हैं। वो इंटरव्यू काफ़ी बढ़िया हुआ था और उस इंटरव्यू में हमने कहा था कि यदि किसी प्रकार का ITBP हेड कांस्टेबल से संबंधित किसी प्रकार का प्रश्न आपके मन में उठता है, किसी प्रकार का डाउट है, तो कमेंट के माध्यम से आप प्रश्न पूछ सकते हैं और आपके प्रश्नों को शामिल किया जाएगा आज के इंटरव्यू में। जी हाँ दोस्तों, तो बहुत सारे मित्रों ने हमसे प्रश्न पूछा था, बहुत सारे प्रश्न आए हैं हमारे पास, तो आज हम उस इंटरव्यू को लेने वाले हैं। और जो तमाम प्रश्न आए थे आप लोगों के द्वारा हमें भेजे गए थे, आज उन प्रश्नों को हम शामिल करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ITBP 10+2 हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो पदें आई थी, ये इसका जो एप्लीकेशन बिगिन यानी कि प्रारंभ होने का इसका जो डेट था, एप्लीकेशन प्रारंभ होने का जो डेट था वह 8 जून 2022 था। और इसका जो लास्ट डेट है, अभी भी आप लोग के पास मौका है, यदि किसी को जानकारी नहीं है तो मैं बता दूं कि आप अभी तक मतलब 7 जुलाई 2022 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अभी भी आप लोग के पास पर्याप्त समय है इस फॉर्म को डालने के लिए। टोटल वैकेंसी की बात करें तो इसमें 248 पद आए हुए थे, जैसा कि अब मैंने बताया था अपने पुराने वीडियो में। तो ये वैकेंसी थी और उसके बारे में आज हम इंटरव्यू लेने वाले हैं और जिसमें आपके प्रश्न को शामिल करने वाले हैं। तो सुनिए आप उनके साथ हमारे जो इंटरव्यू है और अपने जो भी प्रश्न किए हैं उसका उत्तर अपना पाइए उसमें। और किसी प्रकार का कन्फ्यूजन फिर भी रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से आप फिर से दोबारा यानी कि आप दोबारा प्रश्न पूछ सकते हैं हमसे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक बात और कि हम NCERT की पुस्तकों का एक सीरीज लेकर आने वाले हैं जो जो कि क्लास 6 से लेकर 12th तक के बच्चों का होगा। जी हाँ दोस्तों, जो सिलेबस है NCERT का क्लास 6 से लेकर 12th तक, उन्हें हम उसमें शामिल करेंगे, मुख्य रूप से विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषयों को। तो इसलिए आप यदि उसमें शामिल होना चाहते हैं और उसे समझना चाहते हैं, NCERT की पुस्तकों को बढ़िया से पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब हम वीडियो लेके आएँ उसके संदर्भ में तो उसकी जानकारी आपको हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज का इंटरव्यू कैसा रहता है। हेलो। हाँ हेलो। हाँ दिलीप भाई, हाँ भाई अंकित, बस कैसे हैं? बढ़िया, आप बताओ। हम बढ़िया हैं यहाँ पे। और क्या चल रहा है? और बस ठीक है, छुट्टी आए हैं यही। अच्छा, छुट्टी पाए हैं, हाँ ये सही है। अरे थोड़ा समय मिलेगा क्या आपका? अब छुट्टी पाए, समय समय है, बताओ क्या बात है भाई। अच्छा, अरे जो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था आपका कॉल जो अपने मतलब यूट्यूब चैनल पे डाला था ITBP हेड कांस्टेबल के संदर्भ में, तो उसमें मैंने मंगाया था अभ्यर्थियों से प्रश्न, किया कोई प्रश्न है तो पूछें, तो बहुत सारे अभ्यर्थियों ने उसमें प्रश्न पूछे हैं, तो यदि उनके जवाब मिल पाए तो अभ्यर्थियों के लिए भी सहायता हो सकती है। क्वेश्चन कैसे टाइप के हैं बताओ, अगर पता हाँ रहेगा तो जितना पता रहेगा बताएंगे। हाँ ठीक है, तो आप प्रयास करिए क्या करना है। एक प्रश्न आया है अनुराधा देवी का कि सर रिटर्न एग्जाम में निगेटिव मार्किंग होती है क्या, प्लीज रिप्लाई। रिटर्न एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें, अच्छा निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ना निगेटिव नहीं होता है, लेकिन कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा गलत क्वेश्चन कम ही करो, क्योंकि अगर मान लो दो लोगों का सेम नंबर आ गया तो हाँ उसमें उसी को वरीयता दी जाएगी जिसका क्वेश्चन ज्यादा गलत सही है। नहीं हाँ होगा, कम गलत होगा। जैसे एक्सेप्ट कर, मतलब उसको छोड़ सकते हो, हाँ मतलब अच्छा रॉन्ग या राइट कुछ भी मत लगाओ, छोड़ सकते हो, लेकिन अगर रॉन्ग लगा दिए तो फिर बाकी अगला प्रश्न है। निगेटिव मार्किंग नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है, अगला प्रश्न हम लेते हैं। अगला प्रश्न हेमंत का है कि वेट कितना होता है? वेट देखो हाइट के अकॉर्डिंग होता है, अगर मान लो तुम्हारी हाइट 170 सेंटीमीटर है तो उसमें आइडियल वेट 70 kg होता है, अच्छा 70 kg। बाकी उसमें टॉलरेंस प्लस माइनस 5% होता है, अच्छा पांच मतलब परसेंट अपने वेट का 5% आप गेन कर सकते हो एक्स्ट्रा हाँ और कम भी कर सकते हो।
अच्छा, मतलब ज्यादा हुआ तो ओवर वेट, 70 है, अगर 70 वेट है तो उसमें मतलब 5% नीचे और 5% ऊपर भी हो सकता है, मतलब चल सकता है। हो सकता है 70 का 5% ऊपर या नीचे हो सकता है। अच्छा, अगला प्रश्न है राजदीप सिंह का कि रिक्रूटमेंट कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा था, कितना समय लगा था? अभी जैसे एडवर्टाइजमेंट आ गया, फॉर्म फिलअप हो गया, इन सबको अगर ना काउंट किया जाए, अगर पहला इसका स्टेज स्टार्ट हो गया फिजिकल, तो उस डेट से लगभग 6 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, 6 महीने का लगता है प्रोसेस होने? हाँ, 6 महीने के अंदर हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। मेगा जोशी का भी यही प्रश्न है, तो उसका जवाब तो मिल ही गया होगा। और फिर फैक्ट बाई श्याम का है कि ड्यूटी कितना देर करना पड़ता है और सैलरी क्या है? ड्यूटी वही 8 घंटे आप करना होगा 24 घंटे में। अच्छा, ऑफिस टाइम। अच्छा, सब कुछ टाइमिंग रहेगा 2 घंटे? टाइमिंग होता है हर ऑफिस का अलग अलग, हर यूनिट का अलग। जैसे जब अभी मैं जहाँ पोस्टेड हूँ वहाँ पे सुबह का टाइम है 8:30 से 12:30। अच्छा, उसके बाद से लंच होता है 12:30 बजे, शाम का टाइमिंग है 3 से 5। और सैलरी क्या है इसके बारे में भी इन्होंने? सैलरी मिनिमम तो मिनिमम 35 मान के चलो, 35 मिल जाता। बाकी अगर तुम्हारी पोस्टिंग ऐसे कहीं हार्ड एरिया में है, एक्सट्रीम हार्ड एरिया यहाँ होता है, कैटेगराइज है यहाँ का एरिया आईटीबीपी की पोस्टों का कि कैसे एरिया में पोस्टिंग है आपकी, तो वहाँ का एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलता है। अच्छा, तो किसी को 40 भी मिल सकता है, लेकिन डिपेंड करता है आप कौन से एरिया में पोस्टेड हो। ज्यादा मतलब ऐसे एरिया में जहाँ दिक्कतें हैं थोड़ी। अच्छा, जब आपकी ज्वाइनिंग हुई थी उस समय कितना था सैलरी लगभग? जब ज्वाइनिंग के टाइम समझ लो 35,000 तो रहती है। अच्छा, मतलब 35,000 से शुरू हो जाता है? हाँ, शुरू हो जाता। नैना सिंह का सवाल है कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगता है? डॉक्यूमेंट में कुछ नहीं जाता, बस वही हाई स्कूल का मार्कशीट, 12th का, क्योंकि 12th हाँ इंटरमीडिएट बेस पे है तो इंटरमीडिएट का लगेगा ही लगेगा, लेकिन 12th, 10th का भी लगता है। इसके अलावा आपका अगर किसी कास्ट सर्टिफिकेट अगर कोई छूट ले रहे हो ओबीसी एससी एसटी का, तो उसका सर्टिफिकेट लग जाएगा। और इससे ज़्यादा ये तुम्हारा जो स्टेट निवास वाला होता है, निवास का उतना नहीं इम्पोर्टेंट है, लेकिन कास्ट का है। बाकी और कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगता, लेकिन आपके पास जितनी भी डिग्रियां हो आप सारा चीज का वेरिफिकेशन वहाँ करा दीजिए तो बेटर रहता है। अच्छा अच्छा, मानता हूँ कि 12th बेस है, लेकिन आपके पास अगर ग्रेजुएशन की डिग्री है तो उसको भी आप वहाँ वेरीफाई करवा सकते हो। अच्छा, वो आपको फ्यूचर के लिए सही रहता है। बढ़िया रहता होगा आगे अगर कोई डिपार्टमेंट प्रमोशन के लिए। हाँ, प्रमोशन के लिए नहीं कर सकते, लेकिन और भी कई चीजें होती हैं उसके लिए बेनिफिट रहता है सर्विस में। अच्छा, विजय चौधरी का सवाल है कि सर मैं यूपी ओबीसी से हूँ, जनरल से फॉर्म भर दूं बाद में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आपको जनरल में फाइट करना होगा। बाकी आप अपना रियल कैटेगरी जहाँ दर्शाना होगा उसको ओबीसी कीजिएगा, भले ही फॉर्म फिलअप करते समय आप जनरल कर दीजिए, उसके बाद वाले डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में आप ओबीसी ही दिखाइएगा। वैसे जनरल ओबीसी से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये मतलब जनरल से भरते हैं तो मतलब इनको एक एज ए जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी के रूप में ही चुना जाएगा। हाँ, लेकिन इनको ये बताना होगा कि मतलब मैं ओबीसी ओबीसी से हूँ। हाँ, ये बताना होगा, जब उस प्रोसेस पे पहुंचेंगे तो इन्हें बताना होगा सर मैंने जनरल से अप्लाई किया था लेकिन मैं कैटेगरी मेरा ओबीसी ही है। इन दोनों में कोई वो नहीं रखना होगा, नहीं तो फिर फ्यूचर में दिक्कत आ सकती है। आप फाइट किसी से भी करो, कोई दिक्कत नहीं, बस आप अपर वाले से करो ना, एससी बन के नहीं ना फाइट करें, उसमें कोई वो नहीं दिक्कत नहीं। अच्छा, एसकेएस का सवाल है कि इसका फिजिकल कहाँ होता है एंड इसका जॉब ऑफिस वर्क होता है या फिर बॉर्डर में भेजा जाता है, इसके बारे में बताएं। फिजिकल के लिए तो देखो तुम्हारे स्टेट में जो नियरेस्ट होता है कैंप, कोई अगर अच्छा अच्छा कैंप है कोई फोर्स का। अच्छा, मतलब तो तुम्हारे मतलब आईटीबीपी का ही हो कोई भी, अगर नहीं का है। जरूरी नहीं है आईटीबीपी का ही हो, सैनिक बल का कोई भी हो, एसएसबी का भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर प्रेफर आईटीबीपी का ही करते हैं। और आईटीबीपी का लगभग है हर जगह, साउथ में थोड़ा कम है, लेकिन साउथ में भी है, मुंबई साइड कम है, लेकिन है आईटीबीपी का कैंप मिल जाता है। तो वही होता है, अपने प्रदेश में हो जाता है ये, अपने हाँ स्टेट में हो जाता है। तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 घंटे के रास्ते जो मतलब कवर करना जर्नी टाइम रहेगा उतना उतने मतलब डिस्टेंस पे हो जाएगा।
और इसका जॉब का जो लोकेशन है ऑफिस वाला ही है, इसमें कोई इधर उधर जाने की जरूरत नहीं होती है, बढ़िया ऑफिस रहता है, सिर्फ कंप्यूटर पे ही काम करना होता है और फाइल वेल भी रहते हैं, कुछ ऑफलाइन भी काम होते हैं, मतलब ग्राउंड का वर्क नहीं है। हाँ, क्योंकि मतलब ये भर्ती जो है मिनिस्ट्रियल है, तो इसमें मतलब मिनिस्ट्रियल है। हाँ, तो ये मतलब ऑफिस वर्क ही होगा, क्योंकि ये जीडी की भर्ती नहीं है। ऑफिस वर्क ही है। हाँ, ना मिनिस्ट्रियल है तो पूरी तरह से ऑफिस वर्क ही होता है। ग्राउंड वर्क के लिए जीडी वाले होते हैं, इसमें मिनिस्ट्रियल वालों में कोई उसमें वो नहीं होता। इतेंद्र सिंह, हाँ, एक और आया है, इतेंद्र सिंह सवाल पूछे हैं कि ITBP हेड कांस्टेबल डिपार्टमेंट LDCE प्रीवियस ईयर पेपर कैसा होगा सर? प्रीवियस ईयर का पेपर, पेपर दोनों का सेम ही होता है। हाँ, जो पेपर नॉर्मल वाला कैंडिडेट देगा वही पेपर रहेगा उनका भी। अच्छा, मतलब जैसे ये पूछना चाहते हैं कि मतलब आपका जो पेपर हुआ था वो किस लेवल का था, वैसे मतलब जो भी बाहरी हर कोई भर रहा है या फिर जो ITBP से संबंध रखता है अगर ये वो फॉर्म भर रहा है, तो दोनों का पेपर एक ही होता है, उसके कट ऑफ में ओपनिटी हो सकता है। हाँ, वो कट ऑफ उनका अलग बनेगा। हाँ, क्योंकि वैकेंसी अलग है तो उस हिसाब से कट ऑफ मेरिट बनेगी। लेकिन हमें नहीं लगता पेपर अलग होगा, क्योंकि जब मैंने एग्जाम दिया था तो पेपर का सेट तो वही था सबके लिए, अब उसमें कोई वैसा वाला भी बैठा होगा तो पता नहीं, लेकिन पेपर कोई अलग टाइप से नहीं था, जो सेट था ABCDE ऐसा ऑफलाइन ही था उस टाइम। चिता राजन पूछ रहे हैं कि टाइपिंग टेस्ट कैसे होता है, उसके ऊपर वीडियो बनाओ। तो ठीक है राजन जी, हम इस पे भी वीडियो बना देंगे अलग से आपके लिए। सौरभ सिंह पूछ रहे हैं कि फाइनल ज्वाइनिंग कब होगा और हॉलीडे के बारे में बताएं। फाइनल ज्वाइनिंग देखो, बताया मैं पहले ही, अगर प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, अगर जनवरी में स्टार्ट हुआ तो जून जुलाई तक खत्म हो जाता है, ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है। और रही बात छुट्टियां की, तो छुट्टियां इसमें लोकेशन पे डिपेंड करता है। यहाँ दो टाइप के लोकेशन है, मान के चलो 60 EL होता है और 15 CL होता है नॉर्मली, लेकिन कुछ लोकेशन ऐसे हैं जहाँ पे 30 दिन EL होता है, अर्न लीव अर्जित अवकाश बोलते हैं, और 15 के बजाय 8 दिन CL होता है, कैजुअल लीव आकस्मिक अवकाश। ये दो टाइप के लोकेशन होते हैं, फॉर्मेशन होते हैं ITBP में ना। तो जैसे अगर कहीं आप हेडक्वार्टर में हो, हाँ, फ्रंटियर हेडक्वार्टर ऐसे कैटेगराइज है, वो उन्हें समझ में आ जाएगा जब वो ज्वाइन कर लेंगे। नॉर्मली बटालियनों में तो 60 दिन EL अर्जित अवकाश और 15 दिन आकस्मिक अवसाद, यानी 75 दिन साल में है छुट्टी। अच्छा अच्छा, और स्पेशल यूनिटों में 30 दिन, जहाँ पे सैटरडे संडे ऑफ है। हाँ, ये चीज नोट कर लो, जहाँ सैटरडे संडे ऑफ मिलता है वहाँ पे है 30 दिन साल में छुट्टी अर्जित अवकाश और 8 दिन आकस्मिक अवकाश। जहाँ पे केवल संडे ऑफ है वहाँ पे 60 दिन और 15 दिन। रितेश कुमार पूछ रहे हैं कि 2022 का प्रश्न पत्र का लेवल कैसा रहेगा, वो बताएं। लेवल तो देख लो, अब जैसे मतलब फॉर्म फिलअप होंगे उसमें लेवल तो वही रहेगा, 12th मतलब ही रहेगा। हाँ, बाकी मतलब मेरिट हाई है, मुझे लगता है कि लो हाई हो सकता है। अभी लेवल के बताने में मतलब बताना उचित नहीं होगा, क्योंकि कोई जानकारी भी नहीं है इसके बारे में कि मतलब पेपर किस लेवल का आएगा, लेकिन आप बता सकते हैं कि आपके समय जो पेपर हुआ था उसका लेवल क्या था आपके हिसाब से? हाँ, मेरे टाइम वही 12th बेस ही था, ज्यादा हाई नहीं था। अगर 12th मतलब अच्छे से पढ़ा भी बंदा, 1-2 साल प्रिपरेशन किया, तो उसके लिए पेपर कुछ भी नहीं था, इजी नॉर्मल था। अच्छा, नॉर्मल पेपर ही आता है? नॉर्मल ही था, कोई टफ नहीं था। मुझे लगता है कि इसमें जो सबसे टफ होता होगा वो टाइपिंग ही होता होगा, अगर टाइपिंग निकाल लेते हैं। टाइपिंग सबसे वो है, टफ है, और सबसे मतलब वही मतलब है जो है डिसाइड करता है किसका होना है किसका नहीं, किसका नहीं होना है। अगर उस वो चीज प्रिपेयर अच्छे से तो समझो श्योर है बंदा हो जाएगा। अच्छा, परमाल राहुल कुमार जी पूछ रहे हैं कि सर जी, फिजिकल के दिन पुलिस वेरिफिकेशन मांगता है क्या, और मेरी हाइट 165 है, क्या वो मुझे फेल कर देंगे? फिजिकल के दिन देखो पुलिस वेरिफिकेशन नहीं मांगता है, उस दिन नॉर्मल आपका डॉक्यूमेंट वही चेक हो जाता है जो आप अप्लाई किए थे, आपका आधार कार्ड वगैरह, फिंगरप्रिंट लेते हैं, एंट्री हो जाती है। हाइट वेट टेस्ट उसी दिन होता है, तो आप अगर एग्जैक्ट 165 के हो तो क्यों निकालेगा कोई, अगर उससे थोड़ा से भी कम हो गए तो बाहर करेंगे, लेकिन अगर 165 के हो अगर तो ट्राई कर लेना चाहिए, कोई नहीं लगता है। हाँ, ट्राई कीजिए आप। हाँ, भरिए, उस कोई नहीं बाहर करेगा।
पुलिस वेरिफिकेशन हो तो बाद में लगता है, आप ज्वाइनिंग हो जाती है बाद में आता है, यूनिट ही कराती है आपके ज्वाइनिंग होने के बाद। देखो पुलिस वेरिफिकेशन पे एक बात और बता रहे हैं, पुलिस वेरिफिकेशन होता कब है, जब आपका ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है फिर वेरीफाई करती है ना पुलिस ये बंदा ठीक है जाने लायक है या नहीं है। अभी तो आप जा रहे हो फर्स्ट स्टेज में तो वहाँ क्यों मांगेगा, वहाँ तो बस नॉर्मली अपना। लेकिन हाँ जिसके ऊपर ऐसा कुछ हो तो ना ही दर्द होती है। प्रेम, यहाँ पे एक प्रश्न आया है प्रेम फौजदारी का कि टाइपिंग कैसे होगा, कंप्यूटर पर या पेज देखकर? पेज देखकर देखो नहीं हुआ था मेरे टाइम तो, अभी अगर चेंज कुछ करते हैं तो क्या पता, लेकिन उस टाइम तो स्क्रीन पे जैसे टी मास्टर होता है टेक्स्ट चलता रहता है, आप टाइपिंग करते रहो स्क्रीन पे देख के, सेम वैसे ही था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे ही। ये बेटर भी था, पेज देख के तो थोड़ा टफ होता है लेकिन देखो क्या करवा सकता है, डिपार्टमेंट डिसाइड करता है। और क्वेश्चन कितने बचे हैं? डियर कॉमरेड, बस थोड़े से प्रश्न और हैं, थोड़ा सा और समय लगेगा आपका। तो डियर कॉमरेड पूछ रहे हैं कि सर बायोलॉजी से सर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? बायोलॉजी आर्ट साइंस कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, आप 12th पास होने चाहिए, मतलब 12th पास होने चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से है, कोई मतलब नहीं है किसी भी सब्जेक्ट से है उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे एक वार का प्रश्न आया है कि सर ITBP हेड कांस्टेबल कॉम्पिटेंट मिनिस्ट्रियल पोस्ट आया है 2022 लेकिन ये प्राइवेट जॉब है, सर क्या परमानेंट हो सकता है? प्राइवेट जॉब कौन बोल रहा है, प्राइवेट जॉब कैसे किस बेस पे बोल रहे हैं? नहीं नहीं मुझे लगता है कि हाँ जैसे मुझे लग रहा है कि जो आया है ना नोटिस और नोटिफिकेशन जो आता है उसपे प्रारंभिक अवस्था में सर लिखा रहता है कि मतलब एक टेम्परेरी है, यही लिखा रहता है। वो तो टेम्परेरी को आप प्राइवेट नहीं कह सकते, टेम्परेरी तो हर कोई वैकेंसी होती है, वो आपका दो साल तक प्रोबेशन पीरियड होता है, उसके बाद आपको कंफर्म किया जाता है। अगर उस 2 साल में आप कोई ऐसा ब्लंडर मिस्टेक या गलतियां कोई करते हो जो उस मतलब क्षमा के योग्य नहीं है, अवॉइड नहीं किया जा सकता है, तो आपको सीधे घर भेज दिया जाता है। तो उस 2 साल के अंदर आप कुछ कर भी नहीं सकते हो कि हमें क्यों भेज देते हो, मतलब ये प्राइवेट जॉब नहीं है। हाँ आप लोगों को मैं बता दूं प्राइवेट नहीं है, पूरी तरह से सरकारी है, टेम्पररी शुरू में बोलते हैं। और यहाँ पे 2 साल के बाद उसको आप परमानेंट कर दिया जाता है, वो 2 साल आपका देखा जाता है कैरेक्टर वगैरह सब कुछ, काम कैसे करते हो आपका डेडिकेशन देखा जाता है। तो सुजीत कुमार का प्रश्न आया है कि सर जी टाइपिंग रिटर्न के बाद होता है? हाँ टाइपिंग रिटर्न के बाद ही होता है, सबसे पहले फिजिकल बताया था मैंने फर्स्ट वीडियो मतलब जो ऑडियो आप रिकॉर्ड किए थे शायद हुआ था इससे, फाइनल टाइपिंग ही होता है, उसके बाद मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन मेडिकल साथ साथ। वार पूछ रहे हैं कि सर हाउ टू क्वालिफाई हाई जंप एंड लॉन्ग जंप विदाउट कोचिंग? इसमें कोचिंग की क्या जरूरत है, आप कोई भी ग्राउंड देख लीजिए वहाँ थोड़ा सा रनिंग कर लीजिए बॉडी गर्म होने के बाद से, या आप अगर गांव के रहने वाले हैं इस समय आपको देख ही होंगे मतलब जो फील्ड है खाली है, आप फिर भी गांव में कई ऐसे फील्ड पड़े रहते हैं जो ऐसे बेकार में पड़े रहते हैं खाली, आप वहाँ लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जमीन को थोड़ा वो कर लीजिए ताकि उसपे होता है प्रैक्टिस ही है और क्या इसका विदाउट। और मुझे लगता है कि यदि आप रनिंग करते हैं तो आपके पैर और मजबूत होंगे और तो आपको हाई और लॉन्ग जंप में आसानी भी होगी। यदि आप लॉन्ग जंप में तो कोई दिक्कत नहीं मिली, बट हाई जंप के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लिया कीजिए तो थोड़ा कॉन्फिडेंस सही रहेगा, तो चलिए अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। नैना सिंह का अंतिम प्रश्न है कि सर क्या इसमें मैरिड मेल जा सकते हैं? मैरिड मेल बिल्कुल जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैरिड अनमैरिड कोई भी जा सकती, मेल फीमेल। तो आज का ये अंतिम प्रश्न था और आशा करता हूँ कि सबको सही रहा हो और हमें मतलब हमारे अभ्यर्थियों को इसका उत्तर भी मिल गया हो। तो चलिए ठीक है, इसी के साथ समाप्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिलीप भाई। यदि और कोई समस्या आती है बाद में, कोई प्रश्न और आता है तो उसको शामिल करेंगे हम, ठीक है? और बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई डिमांड हो कि वीडियो बनाया जाए किसी बात पे तो अभी मैं छुट्टी भी हूँ तो बताना उसके लिए भी। ठीक है मैं आ सकता हूँ, अगर किसी का भला हो रहा है तो उसके लिए मैं आ भी सकता हूँ, कोई डिस्टेंस भी नहीं है तुम्हारे वहाँ से मेरे वहाँ।